हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट आप देखते हैं कि एमएसएमई से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस और सर्विस इंटरप्राइजेस। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमएसएमईज, रोल ऑफ एमएसएमई, इम्पॉर्टेंस, प्रॉब्लम, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इंस्टीट्यूशन। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि आप एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स भी अवेलेबल है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अब इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस एक्ट 2006 जून 16 को आया था और इसको नोटिफाइड अक्टूबर 2 को इनको लागू किया गया। तो इसमें डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया गया कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस क्या होता है, इनके क्या स्कोप होते हैं। नेक्स्ट आता है इसका इंट्रोडक्शन, जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं वो बैकबोन होते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का किसी भी बिजनेस में। और जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस थी, उन्होंने 8% GDP में कंट्रीब्यूशन किया है, 40% मैन्युफैक्चरिंग में और 45% एक्सपोर्ट को इनक्रीज किया है। ये लार्जेस्ट शेयर होता है एम्प्लॉयमेंट का एग्रीकल्चर के बाद में। ये इमरजेंसी डायनमिक और वाइब्रेंट सेक्टर है इकोनॉमी का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। में ये डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट रेंज को ऑफर करता है कंट्री में, कंट्री की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और ये एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे एमएसएमई का बेसिक इंट्रोडक्शन है कि वो कितना ग्रो हो रहा, क्यों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या था इसकी डेफिनेशन, तो एमएसएमई एक्ट जो कि 2006 पे बेस्ड है, उसमें डिफाइन किया गया था कि जो भी इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी का, जो कि इंगेज रहते कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करना है, प्रोसेसिंग करना है और प्रिजर्वेशन करना है गुड्स का, इसमें डिफाइन किया गया कि कितना इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट्स में, मतलब सर्विसेज में कर सकते हैं। उसमें दो तरीके से डिफाइन किया गया, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। तो इन दोनों में डिफरेंट तरीके से इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन है, इसमें प्लांट एंड मशीनरी और इसमें इक्विपमेंट्स। अब देखते हैं इसको आगे। नेक्स्ट आता है ये डेफिनेशन का इंटरप्राइजेस, जैसा कि अभी देखा था मैन्युफैक्चरिंग जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट होता है प्लांट मशीनरी पे, और सर्विसेज जो कि होता है इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट्स में। तो फर्स्ट आता है इसमें माइक्रो, जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस होते हैं उसमें 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग, और वहीं 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होता है सर्विसेज में। फिर सेकेंड आता है स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस, जिसमें कि 5 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट होता है, मॉल में 25 से 5 करोड़ तक की जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट होता है वो स्मॉल कैटेगरीज में आते हैं। सेम सर्विसेज में 10 लाख से 2 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैटेगरी में आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मीडियम कैटेगरी, जिसमें कि 5 से 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और सर्विसेज के लिए 5 करोड़ तक का, मतलब 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके इक्विपमेंट्स में, वो आता है मीडियम। तो इनको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस में माइक्रो इंटरप्राइजेस। माइक्रो इंटरप्राइजेस जनरली रेफर करता है स्मॉल बिजनेस को, जिसमें 10 लोग या उससे कम लोग काम करते हैं। ये इंटरप्राइजेस में प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 5 से 25 लाख तक का होता है। ये इंटरप्राइजेस चॉइस के लिए नहीं, लोगों की पसंद को फुलफिल करने के लिए नहीं, बल्कि ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चलते हैं। नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटरप्राइजेज, ये जनरली स्मॉल बिजनेस के एम्प्लॉयज़ में, जिसमें कि 50 लोग या उससे कम होते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट 25 लाख से 5 करोड़ तक का होता है। और ये इंटरप्राइजेस काम करते हैं कि स्मॉल अमाउंट के प्रॉफिट को अर्न कर सकें। नेक्स्ट आता है मीडियम इंटरप्राइजेस, ये बताता है बिजनेस एम्प्लॉय को, जो कि मैक्सिमम 250 एम्प्लॉयज़ होते हैं इनके पास, और ये इंटरप्राइजेस 5 से 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है इनका प्लांट एंड मशीनरी में, और ये बेसिकली हाई प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड को इनक्रीज करने के लिए काम करते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस में 3 सेक्टर्स। नेक्स्ट आता है सर्विस इंटरप्राइजेस, इसमें भी है माइक्रो स्मॉल मीडियम। माइक्रो बोलते हैं जो कि
प्लांट और मशीनरी में या फिर इक्विपमेंट में जिनका इन्वेस्टमेंट 10 लाख तक का होता है वो माइक्रो, फिर स्मॉल का कि इन्वेस्टमेंट 10 लाख से 2 करोड़ तक का होता है, और मीडियम 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का होता है। तो ये होते हैं सर्विस इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एमएसएमई के, तो फर्स्ट आता है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि इनके थ्रू जब भी प्रोडक्शन किया जाता है तो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट आता है कि हाई कैपेसिटी ऑफ इनोवेटिव एक्सपोर्टर्स, कि किस तरीके से इनोवेशन के साथ ज़्यादा एक्सपोर्ट को कर सकते हैं कुछ यूनिक प्रोडक्ट बना के, तो इनकी हाई कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट इनके थ्रू जो भी इंटरप्राइजेस स्टेब्लिश होते हैं वो हाई एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं, मतलब ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ रीजनल इम्बैलेंस, जो भी रीजनल इम्बैलेंस चल रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि ये बैलेंस करके रख सके। और नेक्स्ट आता है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, कि इन प्रोग्राम में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग बिजनेस में चेंजेस कर सके। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट द रोल ऑफ एमएसएमई इन इंडिया, कि एमएसएमई का क्या रोल होता है इंडिया के अंदर। तो फर्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, सेकेंड आता है प्रोडक्शन, फिर आता है एक्सपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, की एक्सपोर्ट में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि अभी हमने देखा था डेटा फर्स्ट में कि 45% इन्होंने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया है। और नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्स ये प्रॉपर तरीके से पूरा यूज़ करता है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज जीडीपी, की जीडीपी को बढ़ाता है। तो ये कुछ रोल होते हैं एमएसएमई के इंडिया में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई इन इंडिया, की क्या इंपॉर्टेंस होते हैं एमएसएमई के। तो फर्स्ट आता है फैसिलिटेट वुमेन ग्रोथ, की वुमेन की जो ग्रोथ होती है उसको बढ़ाता है, उनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाता है ताकि उनको एंटरप्रेन्योर बना सके। नेक्स्ट आता है ब्रिंग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, कि रूरल एरिया का रीजनल एरिया के डेवलपमेंट को बैलेंस करता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को ओपन करवाता है। नेक्स्ट आता है हेल्प इन मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, कि लोकल रिसोर्सेज को कैसे अरेंज कर सकता है, उनका अरेंजमेंट करवाता है। नेक्स्ट आता है पेप्स फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल को कैसे ला सकते हैं, उनका कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सब भी बताता है। नेक्स्ट आता है प्रमोट्स एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है कि आप अपनी कंट्री से अपने प्रोडक्ट को फॉरेन तक भेज सकें या इंटरनेशनल मार्केट तक भेज सकें। नेक्स्ट आता है कंप्लीमेंट्स लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, जो भी लार्ज स्केल के इंडस्ट्रीज़ है आपको उनसे कॉम्पीट करने के लिए रेडी करता है। फिर नेक्स्ट आता है मेट्स कस्टमर डिमांड, जो भी कस्टमर्स की डिमांड है उनको पूरा करता है, इंश्योर करता है कि जो भी सोशल एडवांटेजेस से आप ले सकते हैं, डेवलप करता है एंटरप्रेन्योर के इम्पोर्टेंस को। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस होते हैं एमएसएमई के। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स ऑफ एमएसएमई, कि एमएसएमई में क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो फर्स्ट आता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जो भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ होती है वो 30% तक ही अवेलेबल होती है। फिर नेक्स्ट आता है कि रॉ मटेरियल इम्प्रॉपर, जो भी आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है प्रोडक्ट के लिए, आपको जो चाहिए बनाने के लिए उतनी क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि आप जितना एडवर्टीजमेंट दे सकते थे, जो जो रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते थे, लाइक आजकल सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर हो गया तो आप वो कम कर पाते हैं या फिर आपके पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता। नेक्स्ट आता है मैनेजरियल प्रॉब्लम ऑफ एमएसएमई, कि आपको एक्सपीरियंस नॉलेजेबल मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो आपको कम कॉस्ट में मिल सके। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती है एमएसएमई के अंदर। नेक्स्ट सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो फर्स्ट एमएसएमई के इंटरप्राइजेस है उनको टेक्नोलॉजी का प्रॉपर तरीके से सप्लाई किया जाए, कंडक्ट ऑफ सर्वे, सर्वे या रिसर्च की जाए और उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि उससे क्या रिजल्ट्स आते हैं। नेक्स्ट है अवेयरनेस को क्रिएट किया जाए। फिर नेक्स्ट आता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर, कि स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाए। और फिर कैपिटल इंटरेक्शन विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, कि जो भी वेंचर कैपिटल है उनका इंटरेक्शन को देखें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स को बढ़ावा दें। फिर तो ये कुछ सजेशंस होते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है क्या एडवांटेजेस होते हैं एमएसएमई के। तो फर्स्ट आता है क्लोज सुपरविजन, इनको सुपरविजन प्रोवाइड करना है, क्या डिमांड का नेचर है, एम्प्लॉयमेंट को और बढ़ाता है, स्मॉल कैपिटल के अगर नीड है तो उसको फुलफिल करता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप को डेवलप करता है वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में और कस्टमर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में, और मैनेजमेंट को इजी तरीके से कर सकते हैं। एडवांटेजेस या बेनिफिट्स होते हैं एमएसएमई के। नेक्स्ट आता है क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं एमएसएमई के। तो फर्स्ट आता है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है वो हाई होती है, जो यूजेस ऑफ मशीन होता है वो कम होता है, जो लेबर्स होना चाहिए मतलब सब अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम करें उसमें भी कमी होती है, कि लोग उतने स्पेशलाइज और स्किल्ड नहीं मिलते हैं, लोन लेना डिफ़िकल्ट होता है, जो भी रॉ मटेरियल मिलता है वो बहुत कॉस्टली मिलता है,
प्रॉपर तरीके से रिसर्च के आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते और हाई कंपटीशन होते, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं एमएसएमई के। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट की स्कीम्स। तो गवर्नमेंट कौन कौन से स्कीम्स चला रही है, तो फर्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, के लोगों के लिए और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके। फिर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम इंस्पायर स्कीम ऑफ फंड फॉर ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम, असिस्टेंट टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, मार्केटिंग असिस्टेंट, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम असिस्ट, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, कोयर उद्यमी योजना, कोयर विकास योजना, महिला कोयर योजना, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, टूल रूम्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो ये सारी स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के हिसाब से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री की होती है, तो इसमें फर्स्ट आता है SSIB स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल बोर्ड, फिर नेक्स्ट है नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सीडो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के SFC स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, SSIDC स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन TCO, और नॉन गवर्नमेंट में आता है इंडियन काउंसलिंग ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज और लघु उद्योग भारती इंस्टीट्यूट्स। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट है जो कि MSME की हेल्प करने के लिए और उनको प्रमोट करने के लिए बनाए गए हैं। इस वीडियो में आपने पढ़ा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसका इंट्रोडक्शन डेफिनेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और सर्विस एंटरप्राइजेस, और इनको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया माइक्रो स्मॉल और मीडियम में। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, रोल, इंपॉर्टेंस, प्रॉब्लम, सजेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, गवर्नमेंट की स्कीम और इंस्टीट्यूशन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।